बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका विद सबा यू के। आज मैं अपने चैनल पर बनाने जा रही हूँ सालिसबरी बीफ स्टिक्स। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर बीफ का कीमा 1 kg और डालूंगी अदरक लहसुन पेस्ट 1 tablespoon। 1 tablespoon डालूंगी इसमें सॉल्ट यानी कि नमक। 1 teaspoon इसमें जाएगा ओरिगैनो। 1 teaspoon डालूंगी ड्राई दिल लीव्स यानी कि सोए के पत्ते सूखे। दलफर मिर्चें यहाँ पे 1 tablespoon यानी कि धड़ा मिर्च। और 1/2 teaspoon से कम मैंने डाली है यहाँ पे टर्मरिक यानी कि हल्दी। और यहाँ पे मैं डालूंगी ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon और मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास ये मैं डालूंगी 1 teaspoon। और इस सब को मैं बीफ के कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। इसमें डालेंगे लिक्विड यानी कि सोया सॉस 1 tablespoon डालेंगे और ब्रेड क्रम्स थोड़े से मेरे पास वो मैं डालूंगी 3 से 4 tablespoon और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे तो ये मैंने एक फ्रीजिंग बैग ले लिया था। इसको हम दोनों तरफ से ऐसे साइड से काट लेंगे। इससे कबाब जो है राउंड बनेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने बनाने हैं। ऐसे इसको खोल लेंगे। यहाँ पर हाथों को आपने पानी लगा लेना है, कीमा उठाना है ऐसे जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है। ऐसे इसका बॉल सा बना लें। इसमें क्रैक्स नहीं बहुत ज़्यादा आने चाहिए बल्कि कोशिश करें कि क्रैक्स आए ही ना। आप पानी लगाएं एक तरफ बैग के भी और दूसरी तरफ भी। ये जो हमने बॉल बनाया है कीमे का ये रखें, उसके बाद ऊपर से ये इसका दूसरा सिरा बैग का रखें। और इसके बाद हमने लेनी है एक प्लेट चिपटी सी। अब इसके बाद आपने चिपटी सी प्लेट लेनी है और उसको ऊपर से प्रेस करना है तो आपका राउंड कबाब जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए जितना पतला मोटा आपने बनाना है वो आप फिर हाथ के साथ ऐसे इसे दबा लें। ये हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया। कबाब जो है वो शैलो फ्राई कर लेंगे ऐसे डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, इसमें डालूँगी 1 tablespoon बटर और इसमें मैं डाल दूँगी जिसमें हमने तेल में फ्राई किए थे ना कबाब वो वाला थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि इसमें अच्छे से वो टेस्ट आ जाए। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ऑनियन यानी कि प्याज। यहाँ पर मैंने एक ऑनियन ले लिए हैं, वो हम डालेंगे और इसको स्टीप फ्राई करेंगे। इसमें शामिल कर दूंगी मशरूम जो कि मैंने 2 कप लिए हैं मशरूम, और इनको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया और 1 tablespoon लिया कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, तो इसमें मिक्स करेंगे और इससे हम जो है वो सूप तैयार करेंगे। उसे मशरूम में डालेंगे और सूप तैयार। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 teaspoon से भी कम 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर और मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट यानी कि नमक। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 tablespoon जितना सोया सॉस और इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें तकरीबन 1 tablespoon जितना केचप डाल दूंगी और केचप डालने के बाद इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर वाला मिक्स जो पानी में मैंने मिक्स किया था और इसका सूप तैयार करेंगे। यहाँ पर सूप हमारा जो है वो थिक होना शुरू हो गया है तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये कबाब जो हमने मज़ेदार से बीफ के कबाब रेडी किए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इनको भी इस सूप के साथ कुक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो है वो सर्व करेंगे। ये हमारे कबाब हैं जो हमने रेडी किए थे और ऊपर इसके हम डालेंगे ये मशरूम। इस तरह से हम दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह भी साथ रखेंगे। करते हैं कि कैसा बना है। थोड़ा सा कबाब लेंगे और मशरूम लेंगे। बिस्मिल्लाह, यहाँ पर बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है हमारे मशरूम और अनियन के साथ बीफ स्टेक्स। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। पर हमारे सालिसबरी बीफ स्टेक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको वेजिटेबल के साथ मैश पोटैटो के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में मैंने 2 कबाब रख दिए हैं अगर किसी को ज़्यादा चाहिए हो तो। ये हैं कबाब और साथ में इसके सूप मशरूम और ऑनियन का। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चलती हूँ तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।